नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जहां बांका जिले के धनकुंड थाना की पुलिस सनहौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकर अवैध वसूली का काम कर रहा था, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर उसे पुलिस गाड़ी समेत बंधक बना लिया। इसी बीच आम जनता एवं पुलिस में काफी नोकझोंक हुई। पुलिस गाड़ी में बैठे अधिकारियों को उतारकर आम जनता ने सवाल जवाब करने लगे। वहीं पुलिस गाड़ी में बैठे सभी पुलिसकर्मी आम जनता से माफी मांग रहे थे। मालूम हो कि यह घटना सुबह सवेरे 5 बजे की है, जो कि सिनहौला थाना से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कमालपुर मवेशी हॉट पर इतना बड़ा घटना हो गया कि फिर भी सिनहौला पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस क्षेत्र में अवैध कारोबार कोयला एप बालों का लगातार धड़ल्ले से होते आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस वसूली करते हैं, लेकिन आम जनता ने अपना पावर दिखा ही दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगातार धनकुंड थाने की पुलिस सनहौला थाना क्षेत्र में आकर अवैध वसूली करते हैं, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इससे पूर्व भी धौरिया थाने के पुलिस थाने में अवैध वसूली करते पकड़ा गया था और यह दोबारा फिर से धनकुंड थाने को पकड़ा गया है, लेकिन अब तक सनहौला थाने की पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। अब देखना यह है कि वरीय पुलिस पदाधिकारी ऐसे वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। कभी भूल से भी ऐसा नहीं करना। चोर।